हामीले हाम्रो विशेष गरेर मङ्पु भेकमा हाम्रो इलिजिबल प्रेग्नेन्ट ल्याक्टिङ मदरहरू जो विक ओल्ड एज भएकोहरूलाई जुन प्रकारको एउटा मेडिसिन सप्लिमेन्टरी मेडिसिन चाहिन्छ अहिलेको खानपानमा अहिले हामीसित सबैतिर लकडाउन छ त्यसले गर्दाखेरि हाम्रोमा त्यो एउटा ब्यालेन्स डाइट पनि सायद हामी कतिले पाएका छैनौँ हाम्रो विशेष गरेर नारीहरू आमाहरूले त्यो खानपिनमा त्यो पाउनुपर्ने कुराहरू पाएका छैनन् यसले गर्दा मङ्पु लाब्दा समष्टि आपतकालीन सेवा समितिको पक्षबाट हामी सबै सम्पूर्ण सदस्यवर्गले गएर हामीले माननीय एके ग्रोवर महोदय जिएम साहबसित हामीले वार्तालाप गऱ्यौँ र यहाँ तपाईँको पक्षबाट चाहिने एनएसपिसीले गर्नुपर्ने सुविधाहरू हामी मङ्पुवासीलाई तपाईँले गरिदिनुपर्छ भन्ने हामीले उहाँलाई रिक्वेस्ट गरे बापत उहाँले हामीलाई सेनिटाइजरहरू मास्कहरू ग्लोभ्सहरू पनि पठाइदिनु भएको छ त्यस सँगसँगै चामल दालहरू पनि उहाँले पठाइदिनु भएको छ र त्यो हामी निडी पर्सनलाई हामी बाँड्दै जानेछौँ त्यस अनि आज यो एउटा मेडिकल क्याम्प होइन मेडिकल क्याम्प भनेको चाहिँ डक्टरले स्टेथोस्कोपले चेक गराएर रोगीलाई चेक गर्ने कुरा हुन्छ तर अहिले यो सोसियल डिस्टेन्सिङको कुरा छ सामाजिक दूरत्वको कुरा छ यो कोरोना भाइरस भन्ने कुरो अहिले यो हावाबाट आउँदैन यो कोरोना भाइरस भन्ने कुरो चाहिँ मान्छेले ल्याउँछ मान्छेसित नै दूरत्व हुनुपर्ने कुरा छ एक मिटरको दूरत्वमा हामी बस्नुपर्ने कुरा छ मास्क लाउनुपर्ने हामी सचेत हुनुपर्ने कुरा छ त्यसले गर्दा यही सिलसिलामा एनएसपिसी टिएलडीले यो मिनरल्स भिटामिन्सहरू प्रोटिनहरू कमी भएको खण्डमा हामी रोगी पनि हुनसक्छौँ हामीलाई रोग लाग्ने हामीलाई जुन चाहिँ अहिले हामीलाई एउटा इम्युनिटी पावर हामीलाई दरिलो बनाउने कुरा छ यो सङ्क्रमणदेखि बाँच्नको निम्ति बचाउनको निम्ति NSTLDK3 एउटा मेडिसिन उहाँले सप्लिमेन्ट्री फुड मेडिसिन यसरी आज हामी समक्षमा हाम्रो आमाहरूलाई माताहरूलाई हाम्रो दिदीबहिनीहरूलाई उहाँले बाँड्नको निम्ति उहाँहरू स्वयं हाम्रो एनएसपिसी टिएलडिपीबाट हाम्रो माननीय जिएम एके ग्रोवरको पहलमा हाम्रा डक्टर महोदय आउनुभएको छ उहाँसित सिस्टर आउनुभएको छ एनएसपिसीको फार्मेसिस्ट आउनुभएको छ र हामी सम्पूर्ण मङ्पु रेसे बजार मङ्पुवासीको पक्षबाट हामी टिएलडिपी स्टेज 3 जिएम महोदय माननीय एके ग्रोवरलाई हामी मुरीमुरी धन्यवाद दिन्छौँ लग्यो रेबीका अप्सरा राई जैसा कि अभी हम लोग लॉकडाउन के स्थिति में चल रहे हैं लॉकडाउन के कारण सभी जगह यातायात सब चीज़ दिक्कत हो गई है इस केस में प्रेग्नेंट लैक्टेटिंग मदर ओल्ड लोगों के लिए कुछ सप्लीमेंट की जरूरत पड़ती है लॉकडाउन के कारण लोगों को लाने में दिक्कत हो रही होगी उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए NSPC TLDP 3 का मेडिकल विभाग ने कुछ सप्लीमेंट फूड डिस्ट्रीब्यूट करने का डिसीजन लिया है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत इसमें हम प्रोटीन पाउडर कैल्शियम मल्टीविटामिन और आयरन देंगे प्रोटीन पाउडर लोग एक चम्मच दो चम्मच दूध में मिला करके डेली पी सकते हैं कोई भी ओल्ड पर्सन हो या लैक्टेटिंग मदर हो या मतलब प्रेग्नेंट मदर हो लैक्टेटिंग मदर और प्रेग्नेंट मदर पार्टिकुलरली जिनको कि अपने बच्चे को भी देखना रहता है मतलब प्रेग्नेंट मदर के मतलब पेट में बच्चे हैं उनके भी पोषण चाहिए और लैक्टेटिंग मदर जो कि दूध पिला रहे हैं उनको एक्स्ट्रा फूड की जरूरत पड़ती है उसको ध्यान में रखते हुए हम आयरन कैल्शियम जो कि ज़रूरी रहती है डॉक्टर्स के लिए रिकमेंडेड रहती है कि ज़रूरी डेली खाना है उस चीज़ को अभी कमी हो रही होगी उस चीज़ को पूरा करने के लिए हम कोशिश किए हैं जितना हो सकता है आपके लोकल जो नेतागण हैं उन लोगों ने हमें लिस्ट दिया है उसके अनुसार से हमने
45 लोगों का यहाँ पर लाए हैं और उनको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो आयरन होगी, आयरन एक कैप्सूल रोज, कैल्शियम भी एक रोज और मल्टीविटामिन भी एक रोज, प्रोटीन पाउडर एक चम्मच या दो चम्मच डेली दूध में या गर्म पानी में लेकर के पिएंगे। तो आई थिंक कुछ आप लोगों को मतलब सहायता मिलेगा, ताकि अभी लॉकडाउन की स्थिति है